किसान सभा करेगी 7 को उपखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन। हनुमानगढ़ किसानों की फसलों में टिड्डी दल से भयंकर नुकसान हुआ है। सरकार 5-स्टार होटल में बंद है, इस कारण प्रभावित किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। अभी तक सरकार की ओर से प्रभावित किसानों के लिए किसी प्रकार के राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। यह कहना है अखिल भारतीय किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष मंगेश चौधरी का। वे जिले में टिड्डी दल से फसलों को हुए नुकसान के मुद्दे पर शुक्रवार को जंक्शन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। चौधरी ने कहा कि जिले की अलग अलग तहसीलों के खेतों में लगातार टिड्डी दल हमला कर रहा है, इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार किसानों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं। नुकसान की बात करें तो अकेले नोहर विधानसभा क्षेत्र के नीमला, थिराना, खुइया, धानसिया, पांडुसा, जबरासर, मेघाना, दुर्जाना, सूरपुरा, भोगराना, बड़बिराना, रायावाली, धानी, रामसरा, भूकरका, बिरकाली, जसाना सहित 40 गांवों में खड़ी फसलें टिड्डी दल ने पूरी तरह से चट कर दी। उन्होंने सरकार से मांग की कि फसलों में हुए नुकसान का आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए सरकार प्रभावी कार्ययोजना बनाए। माकपा के जिला सचिव रघुवीर सिंह वर्मा ने भी सरकार पर जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए सरकार पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल के रूप में किसानों पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, इन पर नियंत्रण के लिए उन्होंने दवा छिड़काव के लिए पर्याप्त मशीनों व यंत्रों की व्यवस्था करने की मांग सरकार से की। उन्होंने बताया कि टिड्डियों पर नियंत्रण व टिड्डी दल के हमले में फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से 7 अगस्त को जिले भर सभी उपखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। आज अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ के द्वारा आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर के हमने ये मांग की है कि जिले के अंदर पिछले 20 दिन से टिड्डियों ने जो फसल तबाह की है उनको तुरंत किसानों को मुआवजा दिया जाए, 7 डेज की कार्रवाई की जाए और भविष्य में जिस प्रकार से खतरे मंडरा रहे हैं उस खतरे को रोकने के लिए प्रशासन हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करे, प्रशासन ड्रोन की व्यवस्था करे और पूरे जिले का प्रशासन युद्ध स्तर पर परमाणु हमले के खिलाफ जिस प्रकार से हिंदुस्तान की ताकत लगती है उस प्रकार से किसान को बचाने के लिए पूरे जिले का प्रशासन लगे। हमारा निवेदन है कि आप सिर्फ फोटोएं खिंचाने तक और सिर्फ माहौल बनाने तक ये प्रयास नहीं करें, किसान के दर्द को समझे। हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर नोर और बादरा पूरा जो मतलब क्षेत्र है उसके तमाम किसानों को टिड्डियों के हमले से बर्बाद कर दिया है। नोर विधानसभा क्षेत्र के नीमला, खुइया, थिराना, पांडुसर, सिरिंगसर, सुरजनसर, दसाना, रामसरा, रैयावाली, ढाणी, रामगढ़, परलिका, ये ऐसे गांव हैं जिन गांव में फसल नाम की चीज़ बची नहीं है। लेकिन दर्द इस बात का है कि प्रशासन ने आज तक 7 डेज की कार्रवाई तक इन्होंने की नहीं है, अपनी खराबा रिपोर्ट बनाई नहीं है। और उससे बड़ी लानत और शर्म की बात यह है कि हिंदुस्तान की केंद्र की सरकार के MP यहाँ आकर के मांग करते हैं कि टिड्डियों के लिए सरकार मुआवजे की व्यवस्था करे। मुझे बड़ी शर्म आई कि आज केंद्र में आपकी सरकार है, आप BJP की गवर्नमेंट के MP हो तो आपका काम मांग करने का नहीं, आपका काम है कि आप तुरंत मुआवजे की घोषणा करवाएं। उन्होंने आकर के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर के सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम किया। हमारा ये कि आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आप तुरंत किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा करवाइए। और राज्य सरकार का तो उससे ही ज़्यादा बुरा हाल है कि राज्य सरकार के तमाम MLA जो होटलों में कैद हैं, जो सिर्फ एक बंधुआ मजदूर की तरह होटलों में बैठे हुए हैं, पूरा जिला, पूरे जिले का किसान तड़प रहा है। पूरे जिले के अंदर CPIM का एकमात्र विधायक बलवान पुनिया को छोड़ करके जिले के 500 विधायक में से कोई विधायक किसानों के बीच में जाकर के जो फसल है उनका खराबा देखने के लिए, उनके दर्द को समझने के लिए जिले का चारों के चारों विधायक थे, वो 2 BJP के, 2 कांग्रेस के हैं, चारों के चारों विधायक बाहर है, जनता के बीच नहीं है। माकपा का एकमात्र MLA किसानों के बीच में आकर के उनके दर्द को समझाए। तो हम तो ये कहते हैं कि सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय रहते किसानों के दर्द को समझे, नहीं तो फिर किसानों के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहे। 7 तारीख को अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ के द्वारा पूरे जिले के तमाम तहसील हेडक्वार्टरों के ऊपर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। की दुआई है, उसका नाम है लेमडा, और लेमडा हमारी अखिल भारतीय किसान सभा की तहसील इकाई बादरा, उन्होंने 1 लाख की खुद किसानों ने दुआई, किसान सभा की कमेटी ने 1 लाख की दवाई खरीद करके गांव के अंदर किसानों को बांटी है। 1 रुपये की दवा बादरा विधानसभा क्षेत्र में नहीं गई, नोर विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव में
बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम संख्या के गांव में दवाई उपलब्ध हुई, बाकी ज्यादातर गांव के किसानों के बीच में न तो दवाई उपलब्ध हुई है, न इनके कृषि प्रवेक्षक रात को वहां मिले हैं, न इनके मौके पर गए हैं। जहां तक टिड्डी जहां पड़ाव डालती है वहां रात को मौके पर पहुंच करके रात को टिड्डियों को मारने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन रात को कहीं भी व्यवस्था नहीं हुई। हालांकि हम ये नहीं कहते कि इन्होंने प्रयास नहीं किए, इन्होंने अपने लेवल पर प्रयास किए, लेकिन इनके पास न तो कोई दवाई के इंतजाम थे, न कोई दूसरी व्यवस्थाएं थी, न कोई ट्रैक्टरों की व्यवस्था थी। तो जहां जहां काश्तकार खुद लग गए, में कोई कोई ग्राम सेवक जो मतलब दिल से काश्तकारों के साथ है, उन्होंने मदद कर दी, लेकिन इनकी तरफ से लेमडा जो दवाई है वो दवाई की कहीं कोई